हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह सुबह पार्सल आया जो कि मैंने यशी के लिए मंगवाया है। ओह, और ये बोल रही तू और मेरे लिए मंगवाया। देखो मैं दिखाता हूं, मैं आपको बताती हूँ, ये हर चीज ना मेरे नाम से मंगवाएगा, फिर अपने रूम में रख लेगा। नहीं रखा तूने मेरे पहले वाला चश्मा? नहीं रखा। तेरी आंख में क्या हुआ? हां ये सूज क्यों रही है? कौन सी? ये वाली कहां सूज रही है भाई? सूज रही है, दिखा। सूज रही नीचे से। दिखाओ गाइस, सूज रही है क्या? हाँ, वो कभी कभी होता है, सही हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, मेरे साथ तो रोज ही होता है। देख, वाह, खोल के देख, ये तेरे लिए है या नहीं, खोल के देख एक बार। ये तो वही है जो खराब हो गया था। हाँ। यही तो मुझे अच्छा लगता है, एक इकलौता चश्मा। इकलौता चश्मा था जो खो गया था, और फिर मुझे एकदम से वेबसाइट पे दिखा, मैंने तुरंत मंगा दिया। यार मेरे पे सिर्फ यही चश्मा चलता है, मुझे चश्मा अच्छा लगता। फिलहाल तो ये भी अच्छा लग रहा। अब बोल, तू मंगाती है मेरे लिए कुछ? वो तो तू भी पहनता था कंबल। तू मंगाती है मेरे लिए कुछ? देखे तू नहीं पहनेगा क्या? दोस्तों अभी बस चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। आज है हमारे हितेश जी की स्वामिनी। तो वैसे तो पूरी टीम जाने वाली थी यार, लेकिन यार यशी को थोड़ा सा काम है जो कि अर्जेंट है, कंप्लीट करके जरूर देना है आज, तो इसलिए यशी नहीं जा पाएगी। और लोकेशन भी 1.5 घंटा दूर है, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, पूरा दिन उसी में चला जाएगा, तो इसको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। मैंने अभिषेक से पूछा था लेकिन वो फोन नहीं उठा, शायद सो रहा है, तो मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि लेट ना हो ज्यादा। वहां पर गए, दाल बाटी चूरमा की पार्टी करी इन्होंने। और बताओ यार टाइमिंग क्या रखा? पूरी दोपहर का, शाम का रखना चाहिए था। टाइमिंग रखा 11 से 4, पूरी दोपहर में धूप में खाऊंगा खाना। तो अभी देखता हूँ, मैं चलता हूँ वहाँ पर, और परोजगारी करवाते नहीं करवाते मुझसे देखेंगे। हमारी जो मेड आंटी है उनको सैलरी तो मैं पकड़ाता हूँ, लेकिन वो है सगी यशी की। एक नारियल पानी पड़ा था, एक अनार पड़ा था। अरे वो मेरे पहले मेरे बोलने से मेरे बताने से पहले ही वहाँ प्लेट पहुँच गई, खत्म भी हो गया। मेरे साथ तो होता है यार, मिकुड़ी तू समझती है सही में यार। कोई किसी को नहीं दिखता है यहाँ पर, एक मिकुड़ी है अच्छी बच्ची। वो मेरे दोस्त पहले तो जिन्होंने स्वामिनी कराया ना, उनसे मुझे मिलना है स्पेशली। उन्होंने ये मंदिर कैसे ढूंढा है मेरे को? बोल रहा है पापा यही मंदिर मिला गया आपको? इतना अंदर भाई, अलग ही, मैं आज तक नहीं आया लोकेशन पे। दोस्तों मुझे अभी पता चला एक्चुअल में इसके लिए क्यों हुई है स्वामिनी। इसको मांगा था कि इनके घर में ये हो, इसके लिए स्वामिनी हुई है। अभी तक तो डाउट था कि ना मैं सही हूँ या नहीं, क्लियर हुआ। तो 20 साल बाद स्वामिनी करी, बताओ इसके घर वालों ने भी कि देखे तो सही, भगवान ने सही फीस भेजा नहीं भेजा हमारे पास। और आपको एक और चीज बताऊँ, खुद की स्वामिनी छोड़ के पीछे रोड पे खाना खा रहा था ये, और कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। यहाँ में बोल रहा है गर्म पानी पी ले। हेलो दोस्तों, क्या कर रहे हो तुम सब? आए हाय, क्या सुंदर कुड़ी लाग रही। वाओ, बढ़िया डेकोरेशन करा। नहीं अभी जाऊंगा। तुम इससे बात क्या कर? सॉरी यार, पहले मुझे बता तू सुंदर लग रही है। सुंदर लग रही है तो कुछ ही बोलेगी। हाँ, दाल बाटी चूरमा। मैंने सिर्फ चूरमा चूरमा खाया, अच्छा था। अपने घर के लिए आ रहा है, पैक होके आ रहा है। बिल्कुल देखा, राखी बंधवा ली तूने? सही है, पहली बना लो राखी। हमने वीडियो बनाया, वेरी गुड। ये देखो यहाँ ट्राइपॉड लगा के बस हो रही है तैयार, क्योंकि इनकी मम्मियाँ लेकर आ रही है इनके लिए, क्या बोलते हैं उसको, सिंजारा, जिसमें इनके लिए गिफ्ट आता है, गेवर आता है तीज का। आज तीज है ना, आप सभी को हैप्पी तीज। सभी को तीज री राम राम। लड़कों के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। कैसे हो, क्या क्या लेकर आए हो गाइज? सामान तो दो ना इनको भाई, ये तो एक ही में सिलटा दी दोनों को। तो दो लगानी चाहिए थी ना, अभी तो लड़ लेंगी दोनों बहनें आपस में। नहीं नहीं लड़ेगी, हर चीज डबल है इसमें, देख चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट और ये सब चीज डबल डबल है इसमें। ये तो दो वाले थे। तो अंकल ने 50 रुपए बचा लिए टोकरी के। अरे यार एक काम करो, मेरी बात सुनो, वो एक बड़ी वो थाल मंगवा लो, उसमें सारे खोल खोल के और मिक्स कर लो, आधे आधे बांट लो। सही बात है। लो आंटी दो, चलो चलो 500 रुपए दो छोरियों को सिंजारे। चलो चलो 500 रुपए दो। 5000 की 5000 की स्पेलिंग बताना क्या होती है? इन्होंने तो जेब में रख भी रखे हैं सिर्फ 500 के दो ही। बोले इससे ऊपर बजट ही नहीं जाना चाहिए। देखो भैया बजट बना के काम करना चाहिए आदमी को, बिना बजट बनाए काम नहीं करना। ये मेरे बिक्कू के लिए। क्या है ये? ये कॉट सेट लेके आई हूं बिक्कू के लिए, चेंज आउट करवा देंगे अगर पसंद नहीं आएगा तो। ये मेरे कुमी के लिए सिंजारेगा। ये मेरे मिक्कू का गेवर। ये मीकू का नहीं है गेवर, ठीक है ना, ये चीजें मीकू की। ओके, ये आपकी गलत फहमी है। व्हाट्सएप खोल के देख लो, अगर छोटे बड़े होंगे तो चीज दो दो। ये इसको घर के लिए चड्डे और वो टी शर्ट देते हैं, घर के लिए चड्डी तो रख ले। व्हाट्सएप घर में पहनने का है। लाओ ये घर गेवर, और ये तुम दोनों का है, तुम दोनों कैसे बच्चे सभी खा ले। लाओ लाओ लाओ, हम दोनों का देखो। हम लड़के बस यही चीज कर सकते हैं कि इनको गिफ्ट देता हुआ देख सकते हैं। और क्या, अंदर ही अंदर पता नहीं कैसी महसूस होती है यार, हर चीज में इन्हीं लड़कियों को भी मिलता है सब कुछ गिफ्ट वगैरह। लड़कों के रूल नहीं, लड़कों की जिंदगी खराब है। गिफ्ट विफ्ट के मामले में तो लड़कों को
सही बात है, सही बात है, बहनों के बीच में लड़ाइयां करा रही है। अरे हाँ, ये वैसे भी एक दूसरे की पहन लेती है कुछ भी। ये भी है यार, देख मेरा तो कितना सिंपल सा ना कोरा ही है। पैंट शर्ट यही उसके लिए लाइए, यहाँ पे कसीदा खारी हो रखी है। भाई तुम क्या उदम कर रहे हो भाई यहाँ पर? सूरज ये बोल ना, मेरे से बिला ना, मीकू से बिला, मैंने रोटी गोल बेली हुई है। तो उम्मीद भी नहीं थी। जा, मैं रोटी गोल बेलना है ना, बिल्कुल नहीं। ओ गोल, एकदम गोल, ऊपर से फूल आ गया। पहली बार करूंगा आज, और पता नहीं कैसे। वाओ भानु, यू आर सो टैलेंटेड। फिर क्या भाई, रेस्टोरेंट खोलना है तेरे को। भाई तू गलत एरिया में आएगा, तू शेफ बनना चाहिए था। बेलियो भाई, बेलियो एक बार बेलियो डाल दूंगी इसको। डाल डालो रात को। क्या किचन चल रहा है यहाँ पर यार? मीकू की रसोई छाले भटूरे बन रहे हैं। सूरज, मीकू और भानु पे काम करो, मैं इनको देख रही हूँ, लंबो और छोटो की जोड़ी। क्या तगड़ा फूला है भानु यार, एकदम बाजार दे। भाई फूलने से फायदा क्या, हवा थोड़ी खाओगे तुम उसकी? ओफो, इट्स अ साइन ऑफ गुड भटूरा और गुड पूरी। भाई नहीं मिलता इसमें, कितना ही जोर लगा लो। जोर की जरूरत ही नहीं है दीदी। और भानु, मेरे तो बिल्कुल नहीं मिला यार, तेरी कसम। तेरे तो देखा ही तो मैं तो बोल, मैंने पहले ही बोल, सॉरी। भाई क्या भटूरे मिल रहे हैं भाई, क्या मजे आ रहे हैं यहाँ तो, माहौल बन रहा किचन के अंदर। भाई अपन कहाँ बैठे थे वहाँ बेड पे यार, हट जा भाई, हट जा। छोले कुलचे भटूरे कुलचे देख रहे हैं आपको, बाहर किसने बनाए हुए ये तूने खाके दे, प्रशांत जी को दे दिया है ये खाने के लिए, प्रशांत जी को दे दिया। अरे नहीं रे, ये तो मैंने प्लेट लगाई, प्रशांत की प्लेट तो लग रही है। ये तो वो है मठरी, मठरी मठरी, इतना मोटा बना है यार। भाई मुझे ऐसा लग रहा है हमारे घर में सबसे ज्यादा मजा ना किचन में आने लगा है। इधर ताम झाम ले भाई, कुछ करते हैं उदम। भाई एक बार केला तलना, क्या होता है इससे? अरे पागल, पता क्या बोलती है इसको, डालते हो तेल को, इसमें ना चिप्स भी तल लूंगी। अभी देखो इसमें ना चिप्स भी तल लूंगी। मेरे को दूसरा, तुम इतनी ऑयली चीजें खा रहे हो, तुम पागल वागल हो क्या? एक बार मैं आपको एक चीज बता जाऊंगी, FYI, मैंने और सूरज ने खाना खा लिया है। यस हाँ, ये इन लोगों का बन रहा है, तीनों का। हम लोगों ने तो भाई सोया चावल खाए, बना रही है भाई ये। दोस्तों आप एक बार बताओ, आप लोगों को पसंद है कि छोले भटूरे या फिर छोले कुलचे पसंद है आप लोगों को? मुझे छोले कुलचे ज्यादा पसंद है। यार मुझे तेल में भरी चीजें नहीं खाई जाती यार मेरे से। अभी ये बना है, ये बनाई है, फिर टिश्यू पेपर रखेगी इन पे और ऐसे ऐसे करके उसका तेल सोखेगी और फिर खाएगी, जितनी क्रिस्पीनेस वो निकाल देगी, फिर ऐसे मैदा यू 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 करके खाएगी, रबड़ सा बना के। मतलब मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखी हूं ना। ओ यस यस, भटूरा खा के तो हेल्थ का ही ध्यान रख रही है। भाई भानु के पापा देख लीजिए, ये तो इसके लक्षण दिख रहे हैं, बीवी इसे काम करवाने वाली है। ये मतलब क्या बोलेंगे इसको, अच्छे अच्छे हस्बैंड, अच्छा हस्बैंड बनेगा भानु सालो। ये बोल बोल के तुम सारा काम लड़कों से करवा लेती हो। मैं हमें थोड़ी पता था भानु को हिडन टैलेंट यार, ये तो पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था ये तो। भाई इसकी बीवी खुश होगी बहुत। हाँ, no मस्त, एक छोले भटूरे बना के लाए, जो रोज छोले भटूरे। इसको तो और भी चीजें बनानी आती है, इसको तो पास्ता भी बनाना आता है, इनको तो मैगी बनानी भी आती है। मैगी तो सबको आती है, मुझे मेरे को तो नहीं आती, मुझे छोड़ के। भाई मैं तो चला ही जाता हूँ यहाँ से, कुछ नहीं आता। चाय बना जाती, चाय बहुत टेस्टी बनाता है, आज तक बना के नहीं पिलाया। आई वो स्पेशल एक बार है ना, हम अरे दे प्रशांत तरीके ने इसको बता, मैं तरस जाती कि मुझे चाय बना के पिला दे, इतनी पूरी चाय, फिर वापस वालों ने वो कच्ची चाय थी, कच्ची वापस उसमें सेक मतलब वो करी पकाई, और मुझे वो इसीलिए था कि आपसे दोबारा ने बनवाना। वो तो है, ये तो इसका रूल है, ऐसा काम करो दोबारा करवाया। दीदी मैं बोलता बोलता परेशान हो गया कि आज तक एक चाय बना के पिला दो। पहले तो ये आंटी दी ना मोमेंटी, मैं सुबह चाय बनाता था रोज। हाँ मुझे पता है इनके लिए। भाई तो चाय जो अच्छी बनाएगा उसको ही तो खुद के लिए बना रहा था, एक कप मेरा बना देता था, तू नहीं पीता था कि चाय? हाँ पीता था। हाँ इसलिए बना के पिला के आज तक एक भी कप। यार मेरी चाय मैंने बनाई थी ऐसी कि मेरे मन ही नहीं हुआ खुद बनाने का, मैंने दूध भी खराब करूँ मैं। सही बात, सही बात है ना, तेरे को पिलाऊंगा लेकिन एक दिन। मुझे पीनी नहीं है, मैं चाय पीती हूँ, ऐसी चाय पिलाऊंगा, चाय दूध कॉफी ये सब मैं नहीं पीती। ओके, जब भी मैंने सीखी नहीं, फिर मैंने तू ही नहीं पीएगी तो मैं बना के कॉफी डेट वगैरह के लिए माहौल बनाऊं तो कॉफी बनाऊं।
है ना, तू कॉफी पिए ना तू चाय पिए, जूस मुझे मना हो गया, वाइटामिन सी भी पी रहती हो और मीकू फूलेगा ये कटोरा बैंगर बटूरे तुम्हें आते नीचे तुमने सीखे हैं और ली क्या सभी आती है ये बकवास मटरी बनी है ट्रेडिस को तो ये सूरज जाने बनाई है इसकी मटरी बनाई है अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ना ये तो एक छोले एक हमारे छोले हम दोनों ने ना मिलके ऐसे कर हम दोनों ने मिलके मटरी बनाई है छोले नहीं बनाए काट के नंबर लो दो चार दिन तक सुनो एक भटूरा इतना तलते इतना तलते काला हो जाए भयंकर देते कितना काला हो सकता है ये क्या होगा भूरा होगा भूरा निकालो 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 इसमें से तेल झर गया था यार अरे पूरा तेल करती है मेरे को आता ही नहीं है आप तो इसको टेस्ट अपने पे डाल दे रहे हाँ भाई सच में अब अगर ये नहीं हुआ ना खराब कर दोगे यार सूरज भैया उसको डालो आप छोड़ो छोड़ो यार सूरज यार लंबे वाले को डालो खाएंगे यार अरे नहीं नहीं एक इनसे मिलवाएंगे सूरज भैया उसको डालो डालो इसको सुन मैं क्या बोल रहा हूँ ये तुमने बेला हुआ ना अब देख मैं बेल के डालूंगा अरे तो पहले उसको तो उसको तो ये तू तेरा है मैं हाथ ही लगा रहा भाई तुम फिर मेरे पे नाम लगा दो खराब कर दिया मैं नहीं कर रहा तो धूम हो जाओ तुम्हारा एक भी हाथ लग गया ना मेरा काम खराब हो जाएगा बेल रहे हैं ये कैसे बेलेंगे इसमें मैदा लगता है थोड़ा सा अरे तू देख प्यादे प्यादे नहीं मैदा अरे इतना पतला मत करो हाँ तो मैं तो सेक ही रहा था दिख गई थी वो तो अभी आपको सेकने से पहले बेलना भी पड़ता है अरे बेलनी भी आती है और मैंने गोल रोटी बनाई हुई नानी ने सिखाई थी मुझे भाई एकदम गोल बेल दिया मैंने भाई हाँ हाँ लो उसमें बस 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 कोई नहीं है टक्कर में पूरा भटूरा यही बनाएंगे कम्प्लीट सारे इसी से बनवाएंगे फिर तो आप खा लिए अरे भीड़ लग जाएगी ऐसे मत अरे इनको दे इनको करने दे तू क्यों कर रही है हाँ ये तूने टच करे खराब कर साइड से एक साइड से ऐसे ऐसे जाएगा मुझे मस्ती का मेरे को आता है इनको कुछ ही मत बोले अब तू एक साइड से जराने का अरे तू मत बोले एक तरफ से सिखता है वो मैं तो कैसे बोल सकती हूँ संभाल लो यार धीरे से हाँ बस ये भी पपड़ी दिख रही है अरे यार भाई इतना सेक्सी है बीच का छोड़ देना चारों तरफ से खा लेना इट इज वेरी फन दोस्तों के साथ किचन में जाओ आज हम आए मीकू की रसोई में दोस्तों कुछ भी हो भाई ये खा रहा है मेरे हाथ का खाना भाई इससे तो ना तरक्की पे जाएगा अगर तेरी तरक्की हो जाए ना तो फिर बस आधा हिस्सा मुझे दे दियो